नमस्कार बच्चों, एल्केमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट 5 की कहानी को पूरा किया। आज हम अपनी कक्षा में इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम किसने किससे कहा, मिलान करना, खाली जगह भरना और प्रश्न उत्तर भी सीखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्नों की तरफ। मेरी समझ। प्रश्न एक, दिए गए वाक्य पढ़कर बताओ कि ये किसने कहे। क, मेले में खाने पीने की बहुत दुकानें हैं, किसने कहा। नैना ने। मिठाई खाने का मन है, किसने कहा। केतन ने। जामुन भी ले लेते हैं, किसने कहा। नैना ने। ये है इसके उत्तर। नैना ने, मिठाई खाने का मन है, केतन ने, जामुन भी ले लेते हैं, नैना ने। पाठ 5, मेले की सैर। कार्य पत्रक संख्या 5.1। प्राथमिक पाठ कौशल। प्रश्न पहला, दिए गए नामों को उनके चित्र से मिलाओ। आपको यहाँ पर चित्र भी दिए हुए हैं और नाम भी दिए हुए हैं। जैसे पैसा, तो हमें यहाँ पर चित्र में ढूंढना है कि पैसे का चित्र कौन सा है। रेल, मैना, केला, तो पैसे का चित्र है ये रेल, ये रहा रेल का चित्र। मैना, ये है मैना का चित्र। केला। प्रश्न दूसरा, खाली स्थान भरो। क, नैना के खाली जगह के पास मेला लगा था। कहाँ लगा था मेला, घर या पाठशाला। कहाँ लगा था, घर। तो हम यहाँ लिखेंगे घर। नैना ने अपनी खाली जगह एक थैला भी ले लिया। क्या लिया, साथ में या हाथ में। थैला उसने कहाँ पकड़ा था, हाथ में। तो लिखेंगे हाथ में। खाली जगह देखकर नैना बहुत खुश हुई। क्या देखकर नैना खुश हुई, मेला या जामुन। मेला देखकर नैना बहुत खुश हुई। नैना ने केतन के लिए खाली जगह खरीदी। मिठाई या खिलौने, मिठाई। प्रश्न तीसरा, पाठ में आए दो फलों के नाम लिखकर चित्र बनाओ। हमने इस पाठ में पढ़ा कौन से ऐसे दो फल आए हैं जिनके बारे में उस कहानी में बताया गया है, उनके बारे में आपको लिखना है। तो पहला फल है जामुन और दूसरा है केला, और उनके चित्र बनाने हैं आपको। प्रश्न चौथा, दिए गए वर्णों से दो दो शब्द बनाकर लिखो। पहला, ब से कोई दो शब्द बनाने हैं, जैसे बे र, बैर। दूसरा,
बेसन, बेसन यानी चने का आटा। अब बे यानी दो मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे एक मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर दो मात्रा की, ये छोटा है ये बड़ा है, दो ब दिए हुए हैं और उस पे इसमें छोटे की मात्रा है, इसमें बड़े की मात्रा, इससे हम बनाएंगे बैल। और दूसरा बनाएंगे बे साखी। कार्य पत्रक संख्या 5.2 अग्रवर्ती पाठ कौशल। बच्चों आज हम इस प्रश्न में प्रश्न उत्तर देखेंगे, प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, हमें इन प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में ही लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, नैना और केतन कहाँ गए थे नैना और केतन? मेले में। नैना और केतन ने मेले में क्या क्या खरीदा? केले, मिठाई और जामुन। ये रहे इनके उत्तर। नैना और केतन कहाँ गए थे? मेले में। नैना और केतन ने मेले में क्या क्या खरीदा? केले, मिठाई और जामुन। प्रश्न दूसरा, यदि आप मेले में जाते तो क्या क्या खरीदते? बच्चों ये प्रश्न आपको अपनी सोच से लिखना है। अगर आप मेले में जाते तो क्या खरीदते? जैसे कुछ बच्चे हैं तो वो मिठाई खरीदते। कुछ खिलौने खरीदते। कुछ फल खरीदते। तो आपको अपनी सोच से लिखना है। बच्चों जो प्रश्न आज आपने किए हैं उनको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और साथ में निरंतर उच्चारण करते हुए याद करना है। हम अपनी अगली कक्षा में और कुछ नई प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।